अभी आप ना मुझे एक चीज का मतलब बताओ यार। पता नहीं यार कौन सा जानवर है, क्या आवाज आ रही है चारों तरफ से। 9 लीटर गंद पाओगे तो $500 का जुर्माना देना पड़ेगा। दिल खुश हो रहा है इसको देख देख के। सेटिंग कर रहा है और हमारा निकलना ना मुश्किल कर दे भाई। निकल जाएंगे भाई। मैं अभी अभी आया था, इस भाई का ट्रेलर खाली था और भाई ने भाई मिनटों मिनट ही 4 पिके रख लिए इसके ऊपर। आजकल ना मैं काफी भाई देखता हूँ जो अनएम्प्लॉयड है आज के दिन और उनको काम चाहिए। वो सोच रहे हैं कि यार चलो गाड़ी के साथ कोई ना कोई काम कर लेते हैं। गाड़ी के साथ भी वो स्टेप द डिश कर सकते हैं, पर एक बंदा कर सकता है। जैसे उनके फ्रेंड के पास गाड़ियां या दो सगे भाई हैं उनके पास एक गाड़ी है, दोनों काम नहीं कर सकते, तो फिर एक बंदा काम करता है और दूसरा उसके साथ बैठ के स्किप द डिशेज लगाते हैं। वो स्किप द डिशेज लगाते लगाते मतलब काम तो एक का ही चल रहा है ना, तो दूसरा बंदा बिल्कुल साथ में बैठा उसका कोई फायदा नहीं होता। दूसरी चीज एक और जो मैंने ट्राई किया तो आप कर सकते हो, इंस्टाकार्ट जब भी आप लगा लोगे, मॉर्निंग 9 बजे रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं ना, तो तब उसके ऊपर ऑर्डर ड्रॉप होते हैं $30-30 के, $40-40 के। जब स्टोर्स ओपन होते हैं आप उनके दरवाजे के बाहर चले जाओ, सबसे ज्यादा महंगे ऑर्डर होते हैं कॉस्को के। और जैसे आप दो जने हो, आपके पास दो ऑर्डर है, एक कार है, दोनों जने चले जाओ, एक बंदा अपना ऑर्डर सेट रेडी कर रहा है, एक बंदा अपना ऑर्डर रेडी कर रहा है, चाहे आप पहले एक को मिलकर रेडी कर लो, दूसरा बंदा डिलीवरी करने के लिए चला जाए और जो दूसरा बंदा है वो अपना जो अगला ऑर्डर है वो रेडी कर रहा है, तक ये वाला ऑर्डर रेडी होगा, दूसरा बंदा डिलीवरी करके वापस आ जाएगा, वो वाला ऑर्डर उसको पकड़ाओ, वो अगला लेके चला जाएगा और जो उसका फोन होगा वो आपके पास आ जाएगा और अगला ऑर्डर जो भी बंदा वहां पे होगा वो रेडी कर रहा होगा। तो आप एक गाड़ी से दो बंदे काम कर सकते हो। ऐसे मैंने काफी ट्राई किया और काफी अच्छे डॉलर बनते हैं, क्योंकि दूसरा फोन हमारे पास होता है। जब हम एक ऑर्डर रेडी कर रहे होते हैं तो दूसरे के ऑर्डर की वेट कर रहे होते हैं कि हाँ भी अगर कोई $30-40 का आया वही हम पिक करेंगे, अदरवाइज हम पिक नहीं करेंगे। तो आप अगर दो जने भी काम करते हो ना, तो आप शाम को जितने भी बनते हैं आप आधे आधे पैसे कर सकते हो। एक बढ़िया आइडिया है ये भी काम करने का। हाँ, और जिन भाइयों को नहीं पता इंस्टाकार्ट क्या है, इंस्टाकार्ट भाई एक ग्रोसरी डिलीवरी की ऐप है। जो उबर ईट्स करते हैं उनको डेफिनेटली पता होगा कि जो ग्रोसरी डिलीवरी करने वाली भी ऐप आती है और उसके ऊपर आप अपनी ग्रोसरी डिलीवरी करो, लोगों के घर पे दे के आओ, स्टोर से कलेक्ट करो, ऐसे काम होता है। अगर आप स्टार्टिंग में करोगे आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, बट थोड़े टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाता है बंदा। मैंने भी जब स्टार्टिंग की थी मुझे काफी टफ लगा था काम, पर आज के दिन ऐसे हो गए। रेस्टोरेंट में वीकेंड के ऊपर कभी कभी करता हूँ डेफिनेटली। अगर आप उसके ऊपर व्लॉग भी देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना यस, और उसका मैं थोड़े बहुत शॉट ले लूंगा अपने व्लॉग के अंदर। मुझे इस कैमरे के ऊपर ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ये इतनी ज्यादा वीडियो बना देगा। इसको मैंने यार्ड में से स्टार्ट किया था, यहाँ तक आ गया, 1 घंटे की पूरी फुल रिकॉर्डिंग की है इसने, और लगा लो कि अभी इसकी 70% बैटरी पड़ी है। क्या बात है भाई, इतनी लंबी टाइम लैप्स बनाएगा मुझे नहीं पता था। ये वाला लोड है भाई, ये इसके अंदर पत्थर है और छोटे छोटे साइज में कटे हुए पत्थर होते हैं ना, तो वो है इसके अंदर। यहाँ पे हमें लगभग 1 घंटा लग गया और जो सारा पत्थर का लोड है ना इसके ऊपर, किसी किसी के ऊपर मैंने 2 स्ट्रैपे डाली और किसी किसी के ऊपर एक, तो 13-14 स्ट्रैपे हमने टोटल सारे लोड के ऊपर डाल दिया और लोड पूरा सिक्योर है और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा आगे निकलने का। ओहो भाई किधर से जाना, अच्छा इधर को यूं माननी है। ओके, और जो पीछे कैमरा फंसाया है ना मैंने, जिस कैमरे के ऊपर अभी आप व्यू देख रहे हो, ये मैंने पूरा फंसा के रखा है अपने लोड के अंदर।
क्या भाई, उधर चेक करो सारी लेक है ये। और ये वाला व्यू है बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, पीस ब्रिज के ऊपर। पीस ब्रिज हमने क्रॉस कर लिया और ये सामने है यूएस वाला बॉर्डर। तो फाइनली भाई यूएस के अंदर एंटर कर चुके हैं। मोस्टली ज्यादा पता क्या होता है, बॉर्डर के ऊपर इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है कि इतना ज्यादा ट्रैफिक किसी सिटी में नहीं मिलता जितना बॉर्डर के ऊपर मिल जाता है। वैसे ये वाले बॉर्डर के ऊपर इतना ज्यादा नहीं होता, पर एक दिल के अंदर ना एक सुकून सा मिल जाता है जब हम बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं कि अभी हमें मजा आ रहा है और भी कुछ करना नहीं है। मतलब जो नेक्स्ट टारगेट होता है हमारा डिलीवरी होती है, तो ऐसे ऐसे टास्क हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। थोड़े टाइम पहले ना एक बंदा मेरे पास से गुजरा, मोटरसाइकिल के ऊपर था और मोटरसाइकिल वो पूरा भगा के लेके जा रहा था। उसके पास दूसरा था, वो जो बड़े बड़े हार्ले डेविडसन होते हैं ना, जो इतने इतने बड़े गाड़ियों जैसे होते हैं, वो था भाई के पास। और यहाँ पर उसके पास कप होल्डर था, भाई ने बीच में से कॉफी उठाई आराम से सिंपली 120 के ऊपर से आराम से जा रहा था। पता नहीं कैसे उसका जिगरा बनता है कि हाँ भी 120 के ऊपर हैंडल है और कॉफी पी रहा है बंदा आराम से, वो भी मोटरसाइकिल के ऊपर। जब मैं गया था ना भाई हाईवे के ऊपर, पूरी जान निकल जाती है। मैं डरता डरता यहाँ से कैमरा हेलमेट के ऊपर से ऑन ऑफ करता था। ये भाई प्रैक्टिस होती है। जब मैं भी थोड़ा सा नॉर्मल सा हो गया ना हाईवे के ऊपर, तब मुझे नॉर्मल कॉन्फिडेंट फील होने लग गया। पर काफी भाई ऐसे ही करते हैं हाईवे के ऊपर, बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि रोज का काम हो जाता है। और हाईवे के ऊपर जाना मुझे थोड़ा सा डेंजरस भी लगता है, क्योंकि जब इतनी ज्यादा हवा लगती है जहाँ मतलब थोड़ा बहुत ही इधर उधर हुआ नहीं और बंदा इधर उधर हो जाता है। अभी भाई हम एंटर कर चुके हैं न्यूयॉर्क स्टेट में, और इसके आगे जो स्टेट है वो है न्यू जर्सी। न्यू जर्सी में हमें करनी है डिलीवरी। बाकी ये वाला रोड के ऊपर ना भाई इतने शहर आते हैं ना, जो सबसे बेस्ट रूट है जो लॉन्ग हॉल के लिए माना जाता है वो है भाई टोरंटो से कैलिफोर्निया का ट्रिप। बहुत कम शहर आते हैं और इतने खुले 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 रोड है कि भाई इतनी माइल्स है वहां पर, अगर माइल्स के ऊपर पैसा कमा देना तो वो बेस्ट है। ओ भाई नीचे टिम हॉर्टन था यार, टिम हॉर्टन था ना, वह हमारे कहना में तो मिल जाते हैं जगह जगह पर। पर यूएसए में टिम हॉर्टन देख के अलग सी खुशी मिलती है, वैसे चाहे रुकते नहीं वैसे ही खुशी होती है। अगर आप लगा लो ना किसी भाई को, पूछ लो कि रात को ट्रक स्टॉप के ऊपर टिम आ रहा है और वहां पे रुकना है, तो भाई वो वहां पे ही रुकेगा, आगे या पीछे नहीं रुकेगा। टिम हॉर्टन वाला पंप है जहां पर पार्किंग है, वहां पे रुकना ज्यादा अच्छा है, चाहे टिम हॉर्टन से कुछ ले या ना ले। बस एक ऐसा ही अटूट रिश्ता है टिम हॉर्टन के साथ। ओहो बाहर निकलते ही पूरी स्मेल आ रही है। आसपास में ना कोई लाइव स्टॉक वाला लोड वाला ट्रेलर रुका हुआ है। लोड हमारा पूरा सेट है भाई। इसके अंदर ना जो साइडों वाली यहाँ पर जो पीस है ना ये हिलते हैं, पर ये यहाँ से बाहर नहीं निकले। ये वाला जो पेपर है ना ये बहुत ज्यादा मजबूत है। पता नहीं कैमरा बंद हो गया था बैटरी डेड होने की वजह से, पता नहीं क्या चक्कर है। अरे क्या बात है यार, व्यू भी बहुत अच्छा है पीछे। ओह भाई जा रहा है टो वाला। ओहो क्या बात है भाई, व्यू चेक करो यार, क्या बात है यार। सारा दिन यार काम करते रहते हैं, बाहर वाला नज़ारा लेते, ये देखो गुरे नज़ारा लेते, क्या बात है भाई। व्यू चेक करो यार, दिल खुश हो रहा है इसको देख देख के। फिर से हमारी इस गोप्रो की बैटरी डेड होगी, तो इसको चार्ज पे लगाते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। 9 लीटर गंद पाओगे तो $500 का जुर्माना देना पड़ेगा। टाइम चेक कर रहे हो, बिल्कुल भाई 3 मिनट ही बचे थे। और यहाँ पर भाई साइड के ऊपर अपना ट्रक लगा दिया है हमने, और आप देख सकते हो इधर साइड पे रोड है, ये रोड सारा चलता है, सारी रात चलेगा और साइड पे ट्रक लगाया है। तो कॉल की मैंने इनसे पूछा कि भाई कहाँ पर हम अपना ट्रक लगा सकते हैं, आपके पास ओवरनाइट पार्किंग है? मैंने गूगल पे देख लिया, हाँ भाई काफी खुला है अंदर, पर ये इनका डोर है। इन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई डोर के ऊपर लगा लेना, ट्रक लग जाएगा। इन्होंने सोचा होगा कि शायद छोटा ट्रक है वो लगा के सो जाएगा, और सुबह जैसे वो छोटा ट्रक है इनको लगा हुआ कि शायद छोटा है, पर इन्होंने देखा नहीं बड़ा। मैंने लगाने की कोशिश की, यहाँ पे लगा नहीं, लग जाता है पर पीछे से रोड थोड़ा सा ब्लॉक होता है। जैसे हमने साइड के ऊपर लगा लिया, ये रोड जा रहा है साथ में, और आराम से लगा के सो जाएंगे, सारी रात ये रोड चलेगा। चलो कोई बात नहीं, अदरवाइज आपको भी पता है हमारे पास कितना टाइम है, सिर्फ 3 मिनट है। अगर इन्होंने बोल दिया ना कि यहाँ पर नहीं लगा सकते, वैसे रोड के ऊपर जगह बहुत खुली है, ये इनको कोई चक्कर होना नहीं चाहिए। यार पता नहीं यार कौन सा जानवर है, क्या आवाज आ रही है चारों तरफ से, ये इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है, कुछ छोटे छोटे कुछ जानवर है यहाँ पर। चलो आज की रात यहाँ पर गुजारते हैं और आपको मैं मिलता हूँ सुबह मॉर्निंग में। हाँ जी गुड मॉर्निंग। तो दिन चढ़ चुका है और 3 ट्रक आ चुके हैं यहाँ पर, और
मैं ना अंदर ही बैठा था, 2 मिनट में भाई आया बंदा और सारा सामान रख के चला गया। ये मेरे हिसाब से ज़्यादा इस बंदे ने ना 5 मिनट लगाए पूरा ट्रेलर लोड कर दिया। और ये है साल्ट, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर साल्ट है ना पूरा, वो पहाड़ी बना के रखी उन्होंने साल्ट में। ये पता नहीं कौन सा साल्ट है, वैसे है तो ये सी साल्ट, पर ये मुझे पता नहीं किसके लिए यूज़ करते हैं। जो सर्दियों में यूज़ होने वाला वो है या खाने पीने वाला वो है, मुझे सर्दियों में यूज़ होने वाला लग रहा है, बाकी पता नहीं। चलो इसके ऊपर डालनी है स्ट्रैपें, स्ट्रैपें के बाद टार्प, और टार्प के आपको बाद में मिलता हूँ। ये रही 1 2 3 ओह ये हो गया डन। इसके बाद ना आप मेरी शक्ल भी देख लो, पूरी गर्मी आज भाई हालत ख़राब हो चुकी है। आज जहाँ पर हम रात को सोए थे ना वहाँ पे भी उनके पास वाशरूम का एक्सेस नहीं था, और दूसरे जो पोर्टेबल वाशरूम होते हैं ना वो वाला था, और इनके पास भी वहाँ पर पोर्टेबल वाशरूम है, तो इस वजह से यहाँ पर भी कोई रिफ्रेशमेंट की चीज़ नहीं मिली। तो चलते हैं एक बार रास्ते में रुक के वहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश होते हैं, और सुबह का ब्रश भी नहीं किया वैसे ही घूम रहा हूँ मैं अभी। आप ना मुझे एक चीज़ का मतलब बताओ, यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है कि नो आइडलिंग, यहाँ पर लिखा है मिनिमम $250 का फाइन पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो नीचे वाला तो छोड़ दो, ये तो कुत्तों के लिए है। और अभी आप मुझे ये बताओ, अगर आपके ट्रक में आइडलिंग जो APU है मतलब जो अंदर वाला AC है वो नहीं लगा, और आप न्यू जर्सी स्टेट में आ रहे हो या आप पेंसिल्वेनिया में आ रहे हो या न्यूयॉर्क में आ रहे हो, तो आप क्या करोगे? लोड ही नहीं उठाओगे न्यूयॉर्क का, या आप AC लगवाओगे पहले, या मतलब आप क्या करोगे? यहाँ पर चला के सोओगे और $250 का रिस्क ले लोगे? मैं 2-3 बार आया हूँ, मैं तो भाई चला के सोया हूँ क्योंकि मेरे से इतनी गर्मी सही नहीं जाती, और रात भी मैं चला के ही सोया था, और अभी भी यहाँ पर है 6-7 ट्रक वो भी ऑन ही है। यहाँ पर इतने इन्होंने ना रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनकी प्रॉपर, अगर आप गूगल के ऊपर जाओ न्यू जर्सी आइडलिंग लॉ देखो। आइडलिंग का मतलब मैं जिन भाइयों को नहीं पता मैं बता दूं कि रात को ट्रक चला के छोड़ना, रात नहीं मतलब दिन रात ऐसे खड़े ट्रक को ऑन छोड़ना, उसको हम आइडलिंग बोल देते हैं। नो आइडलिंग का मतलब है कि बंद रखना है इसको। ये आप जीप देखो, जीप जैसी जीप है पर पता नहीं क्या बात है यार, जान निकाल रही है पूरी। देखना भी मुश्किल हो रहा है भाई, सारे फ्लैशर लगा कर रहे हैं। यह भाई एयरविंग 24 का पंप, रास्ते में कोई भी पायलट नहीं आ रहा था। ये इधर की मेन प्रॉब्लम है, जब भी ईस्ट को ड्राइव करते हैं स्पेशली मॉन्ट्रियल वाला रास्ता, यहाँ पे कोई भी पायलट नहीं आता जिसके ऊपर से हम फ्यूलिंग कर सकते हैं। जो भी पायलट रास्ते में आ रहे थे ना, कोई था 20 मिनट दूर हाईवे से, कोई था 30 मिनट। मैंने सोचा कि यार कैनेडा से डलवा लेंगे, अभी थोड़ा सा ना फ्यूल कम रह गया, तो लगभग 30-35% फ्यूल है, तो मैंने सोचा कि एयरविंग 24 से फ्यूलिंग करवा लेते हैं। और क्या बारिश हुई है भाई रास्ते में, जैसा कि आपने ड्रोन शॉट में देखा कि कितना भाई अंधेरा है आसपास, और वो लगा दिया। एक भाई भी आ गया है हमारी कंपनी का, मेरे साथ ही भाई ने लोड उठाया था सेम लोकेशन से, और ये कोई लोकेशन पता नहीं है, पंप है या पता नहीं क्या है, डेरी डूरी इसके ऊपर मुझे गाय दिख रही है अकेली, तो यहाँ पर डिलीवरी है उधर लगा दिया ट्रक। और बाकी आज के ब्लॉग को भी हम यहाँ तक ही रखते हैं, जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।